अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हम अपने औलाद को अपनी मेहनतों से जद्दोजहद करके अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, बहुत खुशी की बात है। मेरा बेटा, मेरी औलाद अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा नाम उठाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, ये तो बात बहुत सही है। लेकिन एक चीज़ हर माँ बाप भूल जाते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। हर माँ बाप, हर वालिदैन ये इस बात पर गौर ही नहीं करते, कभी सोचा भी होगा या नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। वो क्या है, स्कूल के अंदर पाकी का मसला। बच्चे किस तरह अपनी ज़रूरत फारिग करते हैं वो देखना ज़रूरी है। अगर बच्चे खड़कर पेशाब करते हैं तो हर हमेशा बच्चे नापाकी होंगे, तो इसका ख़ास तौर से अपने बच्चों पर नज़र रखें और जितना हो सके अपने स्कूल को, अपने औलाद को जिस स्कूल में दाखिला किए हैं उस स्कूल के टॉयलेट को भी एक नज़र देख लें। अगर सहूलत नहीं है बैठकर पेशाब करने की, ज़रूरत से फारिग होने की, उन स्कूल के बड़ों से जाकर बात करके बैठकर ज़रूरत से फारिग होने का इंतज़ाम करें, वो ज़रूरी है। आज हम सब कुछ देखते हैं लेकिन अपने बच्चों की पाकी का ख्याल नहीं रखते। कल परसों हर बच्चे से पूछता हूँ तो वो यही बोलता है, बैठकर पेशाब करना हमारे स्कूल में नहीं है। वो स्कूल अपने गांव में, अपने शहर में बहुत बड़ा स्कूल है, फिर भी वहाँ पर बैठकर ज़रूरत से फारिग होने का निज़ाम नहीं है। जहाँ पर हमारे मुसलमान बच्चे बहुत कसरत से पढ़ते हैं, तो इसका ख्याल रखें और अपने बच्चों से पूछें, अगर सहूलत नहीं है तो स्कूल के बड़ों से जाकर बात करें। हमारी औलाद का नेक होना ज़रूरी है, और अगर हमारी औलाद नेक नहीं है तो समझें कि हमारा बहुत बड़ा खसारा है। इसलिए दुआओं का अहतमाम करें और बच्चों की सही तरबियत करें। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।